ना दिला दूं तनु बुर्ज खलीफा, तनु बुर्ज खलीफा, और तनु बुर्ज खलीफा, तनु बुर्ज खलीफा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार सर की बेहतरीन फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के अपकमिंग सॉन्ग के बारे में, जो कि हम सबके बीच में रिलीज हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बुर्ज खलीफा सॉन्ग जो कि हम सबके बीच में रिलीज तो हुआ ही हुआ, और दोस्तों रिलीज होते से ही इस फिल्म के सॉन्ग ने हम सबके बीच में रिकॉर्ड कायम कर दिए। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के सॉन्ग को हम सबके बीच में काफ़ी पसंद करा जा रहा है और ऑडियंस ने भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिव्यू दिए हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप अक्षय कुमार सर के एक बहुत बड़े फैन हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए शुद्ध हिंदी में सबसे पहले। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। वेल फ्रेंड, अगर हम बात करें लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म की शानदार सॉन्ग के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सॉन्ग के अंदर अक्षय कुमार सर का जो लुक है वो काफ़ी डेशिंग है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर उनकी एक मूज भी बताई जा रही है और दोस्तों इस सॉन्ग के अंदर उनका ब्रेड वाला लुक भी बताया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें सॉन्ग की, तो दोस्तों सॉन्ग के तो क्या कहने, क्योंकि दोस्तों सॉन्ग काफ़ी शानदार है और साथ ही साथ में दोस्तों फिल्म का बैकग्राउंड सॉन्ग भी काफ़ी दमदार है। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों कियारा आडवाणी की, तो दोस्तों अक्षय कुमार सर के साथ में किसी सोचा भी नहीं था कि कियारा आडवाणी की इतनी अच्छी जोड़ी लगने वाली है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कियारा आडवाणी इससे पहले अक्षय कुमार सर के साथ में गुड न्यूज मूवी के अंदर काम कर चुकी है, जो कि फिल्म ऑलरेडी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के अंदर कियारा आडवाणी और अक्षय कुमार सर की जोड़ी काफी पसंद आ रही है, और दोस्तों इसी के साथ में इस फिल्म के सॉन्ग को भी सुपर डुपर हिट करार दिया गया है। अगर दोस्तों आपने सॉन्ग को देख लिया है तो आपको सॉन्ग कैसा लगा, हमें अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।